हेलो एवरीवन, दिस इज़ जसविंदर रंधावा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ प्री स्कूल एंड डे केयर जीटीबी नगर जलंधर, को फाउंडर ऑफ किडीज वर्ल्ड स्कूल रामा मंडी जलंधर। इस लाइव सेशन का, इस वीडियो का पर्पज़ बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको डराया जाए, बट द पर्पज़ इज़ टू क्रिएट एन अवेयरनेस कि जैसे अभी स्कूल्स बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन हो रही है, और ऑनलाइन स्टडी में मोस्टली किड्स आर यूजिंग द मोबाइल फ़ोन फॉर स्टडी, तो उस ऑनलाइन स्टडी का कितना बेनिफिट हो रहा है ये आप एज ए पेरेंट खुद भी आप लोग जज कर सकते हैं। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल फ़ोन का जो यूजेस है उसका साइड इफ़ेक्ट, उसके बैड इफ़ेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं छोटे बच्चों के ऊपर। बैड इफ़ेक्ट्स तो हर एक के ऊपर पड़ते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ सेल फोन के, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं बीइंग कंसर्न्ड अबाउट द स्मॉल किड्स, के जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर कितना बुरा असर पड़ रहा है सेल फोन का, और हमें जो है वो सेल फोन उनको यूज़ करने देना चाहिए कि नहीं करने देना चाहिए, ये आपने इस वीडियो के बाद में डिसाइड करना है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैक्ट्स के बेस पे मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक तो जो छोटे बच्चे हैं उनका ब्रेन जो है वो डेवलप हो रहा होता है, इट इज़ इन अ डेवलपिंग स्टेज, और ऐसी स्टेज में जब वो सेल फोन यूज़ करते हैं तो सेल फोन की रेडिएशन जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। देखिए इस पिक्चर में आप देखिए एक 5 ईयर के ओल्ड बच्चे के ऊपर मोबाइल फ़ोन की रेडिएशन कितनी जगह पे इफ़ेक्ट कर रही है, 10 ईयर्स तक कितनी जगह पे कर रही है, और एक अडल्ट जो है उसके ऊपर कितना कर रही है। अभी तो दोस्तों 5G जो है वो उसकी टेस्टिंग हो रही है, तो 5G जब आएगा तो उसकी रेडिएशन और ज़्यादा होगी, तो आप खुद सोच लें। और इस रेडिएशन का बच्चे के ब्रेन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट है, दिस रेडिएशन कैन कॉज ब्रेन ट्यूमर, दिस रेडिएशन कैन कॉज कैंसर लाइक डिजीजेज इन चिल्ड्रन, तो कितना हार्मफुल हो सकता है। इसलिए हमें जो है सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। सेकेंड जो बैड इफ़ेक्ट आ रहा है, साइड इफ़ेक्ट आ रहा है, वो बच्चों की आँखों के ऊपर आ रहा है, क्योंकि बच्चे अगर हम उनको पढ़ने के लिए मोबाइल फ़ोन देते हैं तो वो एक उनकी हैबिट बन जाती है कि उसके बाद भी वो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं गेम्स खेलने के लिए, यूट्यूब देखने के लिए। यहाँ तक कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो उन्होंने एक ऐसी हैबिट बना दी है बच्चों की कि वो खाना खाते टाइम भी सेल फ़ोन मांगते हैं, दूध पीते टाइम, कुछ भी खाते टाइम उनको मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई वीडियो चाहिए। तो बच्चों की आंखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, उनको जो है छोटी उम्र में ही जो है आईज के चश्मे लग रहे हैं, ये भी एक बहुत गंभीर समस्या है। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के एक्सेसिव यूज़ से बच्चों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर पाया जा रहा है, बच्चे एंग्शियस होते हैं, उनकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन यूजर्स से उनकी मेमोरी जो है वो लॉस हो रही है, कंसंट्रेशन कम हो रही है, और बच्चों की इम्यूनिटी किस चीज़ से बढ़ेगी, अगर बच्चे खेलेंगे कूदेंगे, लेकिन मोबाइल फ़ोन यूजर्स में बच्चों का जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं हो रही, तो उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो रही है, और इस टाइम पे बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। एज द गवर्नमेंट इज सेइंग, पीपल आर सेइंग दैट के अभी जो पेंडेमिक है इसमें सेकेंड वेव के बाद थर्ड वेव आने वाली है, जो कि बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तो आपको अपने बच्चे की इम्यूनिटी जो है उसको बढ़िया करना है, तो वहाँ जो है मोबाइल फ़ोन जो है आपके बच्चे की इम्यूनिटी को वीक कर रहा है। एंड देयर आर मैनी साइड इफ़ेक्ट्स, आई कैन नॉट डिस्कस ऑल इन दिस सेशन। इसके अलावा बिहेवियर में जो है बहुत सारे इश्यूज़ देखे गए हैं जो बच्चे सेल फ़ोन यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन की एक जो है
एक डिजीज़ का नाम दिया गया है जिसको कहते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया एक ऐसा फोबिया है जिसमें जिसका अगर कंप्लीट मैं आपको बताऊं, नोमो मींस नो मोबाइल फोन फोबिया। जब आप, ये बच्चों की बीमारी नहीं है, ये अब बड़ों की भी बीमारी है कि हम मोबाइल फोन के इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं कि एक नशे की तरह इसकी एडिक्शन लग गई है। अगर हमारे पास कुछ देर के लिए हमारा मोबाइल फोन नहीं होता तो हम जो है एंजाइटी में आ जाते हैं, ठीक है, हमारी डिप्रेशन स्टेट हो जाती है और हमारा बिहेवियर एकदम से बहुत ख़राब हो जाता है, हमारा मूड ख़राब हो जाता है, एंड वी सर्च फॉर अ मोबाइल फ़ोन। यही चीज़ बच्चों में भी आ रही है, अगर वो एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो उनसे अगर आप मोबाइल फ़ोन ले लो तो वो जो है उनका बिहेवियर जो है वो अग्रेसिव हो जाएगा, उनका मूड ख़राब हो जाएगा। तो दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड नोमोफोबिया। तो ये डिजीज़ भी एक बहुत सीरियस मैटर है कि हमें या हमारे बच्चों को जो है मोबाइल फ़ोन जो है वो कितना कुछ जो है नेगेटिव दे रहा है। और हम सोच रहे हैं कि हम बच्चों को, अब ये ऑप्शन नहीं है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फिर क्या करें। तो उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल किड्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जब हम अपने प्री स्कूल में पढ़ाते हैं तो टीचर्स के पास भी सेलफोन नहीं होते, तो बच्चों के पास तो होने का सवाल ही नहीं होता। तो बच्चों को एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, बच्चों को कुछ ऐसे टॉयज दिए जाते हैं जिनसे वो एक्टिविटी करें और जिनके साथ वो खेलें और लर्न करें। उनकी फिजिकल एक्टिविटी होती है, उनके बहुत सारे स्किल्स जो हैं उनको डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिसमें होता है फाइन मोटर स्किल्स, जिसमें हैंड आई कोऑर्डिनेशन के रिलेटेड टॉयज होते हैं, फिर ग्रॉस मोटर स्किल्स, देन थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चे के सोशल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, एटिकेट्स मैनर्स के लिए, और इंटरपर्सनल एंड इंट्रा पर्सनल स्किल्स, एम्पैथी, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी। बच्चे को एक्टिविटी करवाई जाती है और जिससे वो उसके स्किल्स को इम्प्रूव करवाया जाता है। तो आपको अपने घर का माहौल कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि जिसमें बच्चे एक्टिविटीज़ करें। आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा एजुकेशनल टॉयज़ के ऊपर, ब्लॉक्स के ऊपर, क्रिएटिव टॉयज़ के ऊपर, ताकि बच्चा जो है वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर सके। सेकेंड थिंग इज़ यू हैव टू रिड्यूस एंड कंट्रोल द स्मॉल स्क्रीन टाइम ऑफ योर चाइल्ड। मान लो आपको मजबूरी है कि आपके बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो कोशिश करिए कि आप पढ़ लें और बाद में बच्चों को गाइड कर दें, क्योंकि छोटे बच्चे तो वैसे भी ऑनलाइन क्लास में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, राइट। और अगर पढ़ना भी पड़ रहा है बच्चे को, तो उसके बाद में उसको आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करने को ना दें, उसके जो स्मॉल स्क्रीन यूजेस के टाइम को कम करें, कैसे भी करके कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा। बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स खिलानी पड़ेगी, उसके साथ खेलनी पड़ेगी, उसको जो है आपको क्वालिटी टाइम देना पड़ेगा। और द लास्ट सजेशन इज़ कि आप जो है अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इंस्टेड ऑफ गिविंग द ऑनलाइन क्लास ऑन सेल फोन, यू शुड गिव दैट क्लास ऑन लैपटॉप। लैपटॉप के ऊपर वो चीज़ नहीं है, रेडिएशन नहीं है। और हमारे पास ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जिसमें आपका मोबाइल फ़ोन का जो स्क्रीन है, ठीक है, वो आपके जो घर पे टीवी लगा हुआ है एलसीडी, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आपका बच्चा बड़ी स्क्रीन को देखेगा, छोटी स्क्रीन को नहीं देखेगा। तो ये सॉल्यूशंस भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपके बच्चे को छोटी स्क्रीन से दूर कर दिया जाए, और अगर ऑनलाइन क्लास लगानी भी है तो वो बड़ी स्क्रीन पे लगाई जाए। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जिनके ऊपर आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा अगर आपने अपने बच्चे की फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा करना है। और मोबाइल फ़ोन के यूजेस से जो साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत ही सीवियर हैं और जिनका फ्यूचर में बच्चों के ऊपर जो है बहुत बुरा असर होने वाला है, तो हमें, हम सब एज ए पेरेंट्स, एज ए टीचर्स, एज ए एजुकेशनिस्ट, हमारा एज ए सोसाइटी, हमारा एक पर्पस है कि हम अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे लिए सब कुछ हैं, उनकी हेल्थ का ख्याल रखें। और
मोबाइल फ़ोन का यूज़ेस खुद भी कम करें ताकि हमारे बच्चे जो है हम उनके लिए रोल मॉडल हैं, तो उनके सामने हम सेलफोन का यूज़ेस कम करें तो वो भी ऑब्वियसली सेलफोन का यूज़ेस कम करेंगे। तो इस वीडियो को आप, इस लाइव सेशन को आप और पेरेंट्स के साथ भी शेयर करें ताकि हम इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। और ये जो मोबाइल फ़ोन के डिसएडवांटेजेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस ऑन मोबाइल फ़ोन, यूजिंग मोबाइल फ़ोन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनसे अपने बच्चों को बचा सकें। सो माई नेम इज़ जसविंदर रंधावा, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रियल लाइफ किड्स प्री स्कूल एंड किडीज़ वर्ड स्कूल जलंधर।